भाई तो बहुत भारी है यार, क्या बोला ये चीज देखो, वाओ भाई अगर माइंड मिल गया तो हम एक लगा देंगे ताकि पिछले वाले बंदे जल्दी छोड़ जाके हमारा बर्फीला गिली सूट है। वाह पबजी वाला जबरदस्त है भाई साहब, ये ट्रैकिंग की मजा भाई की ट्रैकिंग इधर की ट्रैकिंग। This is your Siraj Srafia और नई वीडियो के साथ वेलकम टू चैनल सेजू ब्लॉग। तो भाई आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल की तारीख में हमने हमारी BMW परचेस कर ली है और उसकी वीडियो भी बना दी और आप लोग ने काफी ज्यादा प्यार दिया है। मेरे पीछे देख सकते हो राहिल, इसको जानते होगे, ये हमारी वीडियोस में काफी बार आ चुका है और ये उत्तरायण का सीजन आता है ना तभी हमारे साथ में आता है कि है ना कि इसको थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि उत्तरायण में इसका वीडियो चल जाएगा। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा गाइस रिवर फ्रंट पे हमारा फुट ओवर ब्रिज के पास डिफेंस एक्सपो लगा हुआ है और वो लगा था 18 तारीख से और 22 तारीख तक लगा हुआ था, 18 से 22। तो आज है 21 तारीख, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा वो होगा लास्ट दिन। भाई यहाँ जमालपुर ब्रिज से मैं जब निकल रहा था ना गाइस तो मैंने देखा था कि काफ़ी खतरनाक ये लोग स्टैंड करते हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो एक्सपो में लेके चलता हूँ। जी सर, थैंक यू सर, आप बताओ। बस बढ़िया, देख रहे हो भाई मिल जाते हैं कभी कभी, खुशी मिल जाती है। भाई सेजू व्लॉग नहीं भाई, बिग फैन सर। मैं तेरे को नहीं जानता। मैं आपको जानता हूँ। तो अभी भाई एक्सपो में गए थे क्या? अंदर अंदर जाके आए क्या? अभी जा रहे हो, इसका कुछ नॉलेज है आपको? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम? मेरा भी फर्स्ट टाइम है, जाके देखते क्या है। मैं बताता हूँ, हाँ कंटिन्यू। तो अभी मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ और दिखाता हूँ भाई क्या है यहाँ पे। बाहर से तो काफी बढ़िया लगा, अंदर से देखते हैं कैसा है। तो गाइस ये हमारा देख सकते हो एक्सपो, डिफेंस एक्सपो है, तो इसके अंदर अभी हम लोग जाएंगे। अंदर बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ अंदर जाने के लिए गाइस लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले लिखा हुआ है, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन ओपन। रजिस्ट्रेशन आप लोग साइट से कर सकते हो और सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये एक्सपो है, ठीक है, तो ये बुक कर सकते हो। अभी यहाँ पर अंदर चलते हैं, लाइन में लगे रहेंगे हम लोग, तो लाइन में लगना पड़ेगा, चलते हैं। यहाँ पे देखो लाइन में काफी लोग खड़े हैं, तो सर बोल रहे थे कि आप लोग एयर शो देखने आए हो कि हथियार देखने आए हो, इनके हथियार पे नजर है लोगों की। चेकिंग काफी बढ़िया है और बाहर से हम लोग अभी अंदर तो आ चुके हैं। पीछे देख सकते हो कैंप के अंदर सारे मिलिट्री पर्सन खड़े हैं और वो सब चेक कर रहे हैं। तो हमारी पर्स में से निकली एक छोटी सी नाइफ जो नज़र के लिए मैं रखता हूँ हमेशा अपनी पर्स के अंदर, तो वो निकला तो वो लोग ने वो जमा ले लिए। बाहर आपको सिर्फ आधार कार्ड देना है, अंदर आप लोग एंटर हो जाओगे, फिर उसके बाद आप लोग इन्जॉय कर सकते हो ये एक्सपो। तो ये देखो हम लोग आ चुके हैं अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ भाई। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी आज के एक्सपो में। ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या है भाई, अलग ही है। फर्स्ट लुक एक्सपो का हमारा, देखो क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है सर? रेसिंग के लिए। अच्छा रेसिंग कार है, ये जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना कॉलेज में बनाई हुई है, इंजीनियरिंग वाले। ओके, तो सर बता रहे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाई है। काफी इनका लुक देखो यार, इसको बोलते हैं यार सोल्जर, सपना होता है लोगों का सोल्जर बनना, काफी बढ़िया। और वाली ट्रक देखो, ये ट्रक दिखाता हूँ मैं आपको, ये ट्रक कुछ ऐसी है देखो, ये ट्रैक पे उधर साइड गाने, ये वाली गाने पीछे भी गाने, ये ओरिजिनल ट्रैक है देखो, क्या ही गजब मजा आ रहा है भाई। एक्सपो में आना चाहिए था, मैं बता रहा हूँ आधा अहमदाबाद एक्सपो में नहीं आ पाया, आधा अहमदाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई ये ट्रक तो देखो कैसा है, काफी खतरनाक है, वाह देखो तीन से चार दिन
तो हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं रहेगा, इसके ऊपर आराम से बात करेंगे। वो HHDI है, रात में 4 किलोमीटर तक ऐसा दिखाई देता जैसे अब दिखाई दे रहा है। ओहो, वो है रडार, 20 किलोमीटर तक टैंक हो, बंदा हो या गाड़ी हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है इसके अंदर। ये हमने कैमोनेट डाल रखा है ताकि ऊपर से प्लेन आए तो पता ना चलेगी उसको गाड़ी है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ऊपर पर्दा है, पड़ता है ये जितने भी हैं, ये गाड़ियाँ हैं। राजस्थान में कोई टिल्ला ऐसा नहीं है जिसके ऊपर चढ़ने, हर टिल्ला चढ़ती है। हम कंपटीशन लड़ते हैं, ऐसे ही लड़ते हैं। ये पलट, ये हमने मॉडिफिकेशन हमने खुद किया है। अगर ये पलट जाते हैं इसको फिर सीधा कर लेते हैं, कोई शीशा खुद ही मॉडिफाई करा है, खुद ही किया हमने। इंडियन आर्मी में जितने भी यूनिट हैं, जैसे कोई भी हथियार है, हर हथियार चलाना आता है। अच्छा, माइन है, माइन ढूंढना आता है। अच्छा, टेप है, अगर माइन मिल गया तो हम टेप लगा देंगे ताकि पिछले वाले बंदे जल्दी से जल्दी आगे पहुंच सके, उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे माइन एरिया है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया है। आपका हेडक्वार्टर कौन सा बोला जाएगा? एज वाइज साहब 22 इयर्स के हो। हेडक्वार्टर कौन सा है इस उम्र में? तो हम लोग हम आर्मड घूम रहे थे, यानी सेंटर तो होगा इंडिया में, दिल्ली जैसे। भाई देख रहे हो, अहमदनगर। हमारे सर जो हैं 22 इयर्स ओल्ड हैं और वो आर्मी में भाई, और हमारा जो बता रहा हूँ ना भाई, हम यूट्यूबर हों कुछ भी हो, हमारी कोई इनके सामने वैल्यू नहीं होती है, ये अलग ही लेवल के लोग हैं। और भाई जो बता रहे थे ना, मैं वीडियो थोड़ी लंबी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअली में ये लोग काम किस तरीके से करते हैं। और वहाँ पर तो और भी स्पीच देते, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना और आगे दिखाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपो है और आगे। और यहाँ पे देखो, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। ये भाई ट्रक देखो, ये वाला, ये ट्रक देखो, इस गाड़ी का नाम है QRFV, यानी क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल, यानी जहाँ भी घटना घटता है या जिस इलाके में हमने तुरंत खोजना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, या हमने बॉर्डर इलाके की डोमिनेशन करना हो या ऑब्जर्वेशन करना हो, उस पर्पज से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये फुल्ली बुलेट प्रूफ है सर, और ये कुछ तो सर बता रहे हैं। देखो हर चीज यहाँ पे मैं बता दूँ डिटेल के अंदर आप लोगों को कि हर चीज बुलेट प्रूफ होती है। भाई एक चीज और दिखाऊँ आप लोग को, गिली सूट। ये देखो गिली सूट देख रहे हो, ये हमारा बर्फीला गिली सूट है। वाह, पबजी वाला जबरदस्त है ना। देखो वाह, ओहो ड्रोन, सी ये है ड्रोन, और एक इस तरीके से दिखता है। देखो तो भाई देखो, ये लेवल 2 का या लेवल 3 का जैकेट है भाई, बहुत भारी है सर, सॉरी सर, हाँ बहुत भारी है। देखो 16 किलोग्राम से लेके 20 किलोग्राम तक का ये हमारा जैकेट है, देख सकते हो भाई, इसको उठा नहीं सकते एक हाथ से, काफी हेवी है देख सकते हो ये पूरा। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो भाई, वाओ भाई साहब, ये ट्रक है कि मजाक की, क्या है भाई ये ट्रक है, ये घर है कि ट्रक है? भाई वैसे तो साउंड वगैरह चालू हो गया, कॉपीराइट ना आ जाए इसके लिए मुझे बंद करना पड़ेगा। और काफ़ी मतलब यहाँ पे सेफ्टी वगैरह यूज़ की गई है कि मतलब कहा जा रहा है कि ये मतलब वो मतलब, तो थोड़ा देख के करना पड़ेगा मुझे। तो भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भाई, जो हमारा सी के अंदर मतलब पानी के अंदर चलता है ना सबमरीन, वो दिखाने जा रहा हूँ लाइफ में, पहली बार मैं सबमरीन देखने जा रहा हूँ, तो वीडियो के अंदर बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला, सबमरीन दिखा दूँगा आपको। वाह देखो, तो ये है हमारा सबमरीन। पीछे पंखा के देखो, सारी की सारी चीजें ना, ये डेमो पीस है मुझे लग रहा है, ठीक है ये डेमो पीस है। ये भाई कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा, ये तो सिर्फ डेमो पीस है, ये असल में ना कम से कम बहुत बड़ा होगा भाई। तो भाई अगर आप लोग, कल लास्ट दिन है, वीडियो तो कल ही अपलोड होगा, जब अपलोड होगा तब खत्म हो चुका होगा। देखो क्या चीज है पता नहीं, ये चीज क्या है,
ये चीज क्या है सर? टॉर्पिडो। टॉर्पिडो मतलब लाइटवेट टॉर्पिडो। अच्छा, पानी में चलने वाला। ओके, सबमरीन में से जो टॉर्पिडो निकलता है ना वो है। क्या चीज सर? ये क्या है, क्या चीज है ये? एंटी ड्रोन सिस्टम। ओके, एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब ड्रोन अगर आसपास होगा। अच्छा, यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि किधर साइड ड्रोन उड़ रहा है। देख रहे हो, सब चीज़ देखने को मिल रही है। ये चीज़ क्या है भाई? ओ हो 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 हो, सी ये चीज़ देखो यार, क्या चीज़ है ये? ये जो फाइटर जेट होता है ना, फाइटर प्लेन, उसको कुछ इस तरीके से उड़ाया जाता है यहाँ पे बैठ के। ये सीट है और ये देखो रिमोट कंट्रोल्स वगैरह रखे हुए। इस तरीके से उड़ाया, गेम वन टाइप ऑफ गेम, फिर सेफ्टी के लिए भी होगा, सिखाने के लिए भी होगा। ये चीज काफी बढ़िया भाई, तो आगे और दिखाता हूँ मैं आपको भाई। गन देखो, सारी गन है। जो आज का जरूरत है उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। ये हाल ही में 2019 में हमारे पास में आया है, ये अमेरिका से। वाओ, देखो यार, इसका नाम है MP9 मशीन गन है। और इसके एक एसडेट है इसमें, भाई ये सब चीज के बारे में अगर नॉलेज चाहिए, समझना हो, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। देखो डिटेल के अंदर जितने भी हमारे सर खड़े हैं वो बताएंगे आपको। तो भाई देखो यहाँ पे, वाओ, सी सारे गन है। ओ हो हो, ओ ये चीज देखो, ये चीज क्या चीज है भाई? ये चीज देखो, वाओ भाई, स्नाइपर लॉन्चर, जबरदस्त भाई साहब। सी दिस गेम, अलग ही लेवल है भाई, सारी की सारी चीज ओरिजिनल है। ये वाली गन देखो क्या चीज है, पता ही नहीं, काफी खतरनाक आ गया भाई। इसको उठा के देखते हैं, आज तक नहीं उठाया जिंदगी में। सर कहाँ है हमको? लाइन में, लाइन है क्या भाई? एक बार खाली। ओ भाई ये तो बहुत भारी है यार। क्या बोला सच में भारी है, पूरा आ रहा सीन। देखो यार, ओरिजिनल है ये, जोर से दम लगा के ऐसे में बॉर्डर से बिगड़ जाए। ओ हो हो, क्या लाल होती होगी है, पर बॉर्डर से नहीं है कुछ, खाली बस। ड्रोन देखो यार क्या चीज है ये, देखो ये ड्रोन है, ड्रोन ड्रोन ड्रोन। एक ड्रोन का पंखा देखो खाली कितना बड़ा है। ये खाली एक फैन है ड्रोन का, ऐसे फोर फैन है। सी लॉन्चर, देख रहे हो गाइस, सारी की सारी चीज यहाँ पे ओरिजिनल आए हुई है। इसको यूज कैसे करते हैं हमारे यहाँ पे सारे मास्टर सीख रहे हैं, मतलब नॉर्मल पब्लिक को भी यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है कि आप लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, क्या काम में आएगा ये चीज। तो देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को भी एक नॉलेज दिया जा रहा है, एक मोटिवेशन दिया जा रहा है कि आप लोग इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में जाओ और अच्छा से काम करो। देखो NCC के बच्चों को भी लाया गया है यहाँ। Yeah.
डैडी नीचे उतारो वो बोल सकती हूं डैडी। निकल रहे हैं घर, लेकिन घर निकलने से पहले हमने दो तीन चीज देखे भाई आर्मी वालों के रिलेटेड, जो हम दिल के अंदर उनके लिए जो इज्जत रखते हैं वो क्यों रखते हैं भाई। राहिल बताएगा भाई, इतना मतलब वो क्या बोलते हैं कायदे कानून के कितने पक्के, आगे जो भी मतलब जा रहे पैदल जा रहे, तो एक उनका ऑफिसर आया वो भी आर्मी ड्रेस में था, बुलेट पे था भाई, वो बाइक जैसी अंदर ले गया, वो उसने आया बोले सर सॉरी अंदर बाइक अलाउड नहीं है, मतलब आर्मी वाले ने ही आर्मी वाले को बोला कि आपकी बाइक अंदर अलाउ नहीं है आप बाहर रखो, प्लस वो उसके मतलब चुपचाप भाई चले ऑफिसर था वो बड़ा ऑफिसर, उससे बड़ा ऑफिसर था, चुपचाप गए उन्होंने अपनी बाइक दूसरी जगह रखी। यहाँ अगर ऐसा कोई साहिब जोड़े बात करी ले, हाँ ऐसा सीन होता है ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो हमारा बच्चा कल हमने जिसको परचेस किया था काफी ज्यादा भीड़ में फंसा हुआ है ठीक है, ये रहा हमारा बच्चा, इसका नाम आप लोगों ने अभी तक नहीं बताया, इसका नाम बताओ क्या रखूं फटाफट बताओ। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना भाई, डेली इसी तरीके की वीडियो के लिए, बहुत ज़्यादा थक गया पानी प्यास लगी हुई है, मिलते हैं ऐसी कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राहिल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना राहिल ब्लॉग, मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो में, बाय, मैं तो थक गया यार चलो।